भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का ये मानना है कि भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में मिली जीत का जो क्रेडिट है वो रोहित शर्मा को जाना चाहिए, ना कि मुख्य कोच गौतम गंभीर को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। गावस्कर का मानना है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले कुछ सालों में आक्रामक क्रिकेट खेला है। सुनील गावस्कर ने बोल्ड शैली के लिए रोहित को गोहित नाम दिया है। एक कॉलम में सुनील गावस्कर ने कानपुर टेस्ट में भारत की रणनीति को लेकर गंभीर को श्रेय दिए जाने का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसे उच्चतम स्तर की चाटुकारिता से जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि टीम की रणनीति के लिए गौतम गंभीर को श्रेय देना गलत है। सुनील गावस्कर ने इसकी तुलना इस बात से की कि कैसे इंग्लैंड ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम को दिया था। सुनील गावस्कर ने कॉलम में लिखा, जिस तरह बेन स्टोक्स और मैकुलम के नेतृत्व में इंग्लैंड की बल्लेबाजी शैली पूरी तरह बदली है, वैसा ही कुछ हमने पिछले कुछ सालों में रोहित की बल्लेबाजी में देखा और वो टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गौतम गंभीर पिछले कुछ महीनों से ही कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसलिए इस शैली के लिए उन्हें क्रेडिट देना चाटुकारिता का उच्चतम स्तर है। गौतम गंभीर ने खुद शायद ही कभी इस अंदाज में बल्लेबाजी की हो जैसे मैकुलम किया करते थे। अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए या जाना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है और कोई नहीं। भारत ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच को 2 दिन में समाप्त कर दिया था। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट में बारिश ने काफी ज्यादा बाधा डाली थी। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हो सका था, जबकि दूसरा और तीसरा दिन का जो खेल है वो बारिश के कारण मैदान गीला होने की वजह से पूरी तरह धुल गया था। भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर ढेर की और जबकि भारत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 285 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत को तब तक 52 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 146 रन बनाए और भारत के सामने 95 रन का टारगेट दिया, जिसे रोहित एंड कंपनी ने आसानी से हासिल कर लिया था। इसके बाद अब भारत T20 खेलने चली है बांग्लादेश के साथ, जिसका पहला मुकाबला भारत जीत चुकी है और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।